और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पुणे के मेयर मुरलीधर ने ये जानकारी दी है। 6ठी मंजिल से जली हुई लाशें मिली हैं, ये कहना है पुणे के मेयर का। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुणे से पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग में आज आग लग गई थी और इस आग में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पुणे के मेयर मुरलीधर ने ये जानकारी दी है। 6ठी मंजिल से जली हुई लाशें मिली हैं, ये भी बताया है मेयर ने। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इमारत जेरे तामीर थी। आपको बता दें पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट जो कि कोरोना की वैक्सीन बना रहा है, उनकी नई इमारत जो कि जेरे तामीर थी उसमें ये आग लगी थी और 6 लोगों की इस हादसे में, इस आग से जान चली गई। पांच लोगों की मौत की जानकारी पुणे के मेयर मुरलीधर ने दी है और 6ठी मंजिल से जली हुई लाशें मिली हैं, ये भी मेयर ने बताया है पुणे के। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग में 5 लोगों की मौत, पुणे के मेयर मुरलीधर ने जानकारी दी। 6ठी मंजिल से जली हुई लाशें मिली, मेयर ने बताया। बड़ी खबर इस वक्त की, तो 100% वहाँ का फायर की पोजीशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन एक दुर्घटना निश्चित स्वरूप से घटी है। इस फायर में आज 5 लोगों की जाने गई है। अभी यहाँ से उन लोगों की बॉडीज लेके गए हैं, लेकिन इसमें एक बात का जिक्र जो हो रहा था दिन भर कि क्या कोविशील्ड का काम जहाँ चल रहा है, स्टोरेज कहाँ है, ये वही बिल्डिंग है क्या, तो ये बात भी क्लियर है कि यहाँ पे कुछ भी कोविशील्ड का स्टोरेज नहीं था, यहाँ पे कोविशील्ड का मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं था। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहाँ पे काम चल रहा था। और आज जो लोग गए हैं, जो यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है, शायद इसी बिल्डिंग में काम जो चल रहा था वहाँ के वर्कर है, ऐसा शायद प्राथमिक जो अनुमान लगाया गया है उसे ये लग रहा है। आगे की जो जानकारी है वो हमें जल्दी मिल सकती है। पहले तो बताया गया था कि किसी भी तरह की जान नहीं की है, तो ये बाद में बॉडीज कहाँ पर मिली, किस तरीके से? इस बिल्डिंग के आखिरी मंजिल पे पूरा जो फ्लोर था वो पूरा जलकर खाक हुआ था, और सब ये सब फायर कंट्रोल में आई थी। हमारे फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर रणपीसे साहब ने मुझे कॉल किया कि इस लास्ट फ्लोर पे अभी हमें 5 यहाँ पे बॉडीज मिली है जो जलकर राख हो गई है, और मुझे लगता है कि वो सब बाकी फायर का कंट्रोल हो चुका, लेकिन ये अंतिम जब सब काम खत्म हुआ, लोग जाने लगे थे, उसी समय ये खुलासा हुआ, उसी समय ये जानकारी मिली और ये सामने आया। यहाँ पे पहले तो आशंका थी कि 4 लोग अंदर फंसे हुए हैं। इन 4 लोगों को तुरंत हमारे लोगों ने, फायर ब्रिगेड की हमारी सभी टीम ने यहाँ पे काम किया, उन्होंने जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला। वो लोग अभी अच्छे हैं, उनको कोई भी यहाँ पे चोट नहीं पहुँची है, लेकिन आखिर में जो आखिरी मंजिल था, आखिरी फ्लोर था, वहाँ पे पूरा फ्लोर जला है, तो उसमें 5 लोग यहाँ पे उनकी डेथ हो गई, ऐसे आखिरी समय में सामने आया।